नमस्कार साथियों, द एजुकेशन इंडिया में आप सबों का फिर से स्वागत है। इन दिनों हम आप सबों के बीच पाइप एंड सिस्टर्न यानी पाइप और टंकी के प्रश्न को लेके आ रहे हैं। आज के क्लास में हम पाइप एंड टंकी एंड पाइप एंड सिस्टर्न के ही नए प्रश्न को लेके उपस्थित हूँ। ये पाइप एंड सिस्टर्न का पार्ट 4 होगा। इसमें आइए देखते हैं एक नए प्रश्न को, नए टाइप के प्रश्न को कैसे हम हल करते हैं चुटकियों में। क्वेश्चन है, दो पाइप ए तथा बी एक खाली टंकी को क्रमशः 15 मिनट तथा 20 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाते हैं तथा 4 मिनट बाद पाइप ए को बंद कर दिए जाते हैं, तो टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा। यहाँ दोनों के दोनों नल भरने वाला ही है, तो बस विद द हेल्प ऑफ टाइम एंड वर्क के सहायता से इसको हल कर लीजिए। ए 15 मिनट में भरते हैं, बी 20 मिनट में भरते हैं, दोनों भरने वाले हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा, तो 15 चौका और यहाँ 20 से भाग देंगे तो 20 तियाई 60, ये 4 लीटर प्रति मिनट हुआ, ये 3 लीटर प्रति मिनट हुआ। कहा दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, 4 मिनट बाद ए को बंद किया था, 4 मिनट तक तो दोनों चला होगा, तो 4 से गुना कर लेते हैं, 4 चौका 16 लीटर, यहाँ 4 12 लीटर। अब ए को बंद कर दिया गया, तो पहले ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना, 6 2 8 1 28 लीटर हुआ। अब शेष कितना बचा, 60 लीटर। टोटल 60 लीटर में से 28 लीटर घटा देते हैं तो 8 2 10, ये 5 में से 2 गया तो 3, यानी 32 लीटर अब बचा है। 32 लीटर को कौन भरेगा, बी भरेगा। 32 लीटर को भरेगा किसने, किस रफ्तार से, 3 की रफ्तार से भाग देते हैं, 3 एकम 3 और 3 0 0 यानी 10 3 30, 2 बच जाएगा, तो ये हो गया 10 मिनट। 10 मिनट अब प्लस इसको सेकेंड में बदलेंगे, 2/3 को 60 से गुना कर देंगे, 20 3 60 यानी 2 2 40, 10 मिनट प्लस 40 सेकेंड। तो हमको पूछा है टंकी में कुल समय, तो पहले तो चार मिनट चलल था, तो 10 मिनट ये 4 मिनट, टोटल 14 मिनट और प्लस 40 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 14 मिनट 40 सेकेंड में पूरा टंकी भर जाएगा। तो आइए चलते हैं अब अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है, दो नल ए तथा बी एक पानी की टंकी को क्रमशः 30 मिनट तथा 40 मिनट में भर सकते हैं। भरी टंकी से एक तीसरा नल सी 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है। यदि दोनों नल एक साथ टंकी खाली टंकी में खोल दिए जाए तथा 1 घंटे में टंकी भर जाए तो टंकी की धारिता, यहाँ टंकी की धारिता यानी कैपेसिटी निकालना है। दो नल है, ए 30 मिनट ए को लगता है भरने में, बी को लगता है 40 मिनट और एक तीसरा नल सी भी है जो खाली करने वाला है, माइनस कर देते हैं इसको, जो 1 घंटा में कहता है क्या कि 1 घंटे में टंकी भर जाए तो टंकी की धारिता, यानी तीनों को एक साथ जब खोल दिया जाए, तीनों को एक साथ खोल दिया जाए यानी ए प्लस बी और प्लस सी, माइनस दे दिए क्योंकि एक खाली करने वाला है, तीनों को देखा जाए तो एक घंटा को 60 मिनट कहते हैं। इतना में ये तीनों को, यदि तीनों नल एक साथ टंकी में खोल दिया जाए तो 1 घंटे में टंकी भर जाए। अब तीनों का एलसीएम ले लीजिए, तो 120 आएगा एलसीएम, 30 से भाग देंगे तो 30 चौका 40 तिया 120 फिर 60 दुना 120, ये 4 लीटर, ये 2 3 लीटर आई 2 लीटर। तो टंकी में देखा जाए तो 1 मिनट में कितना, 4 3 7 लीटर, 7 लीटर हो रहा है एक तरह से, ये 4 लीटर और ये दूसरा पाइप इसमें 3 लीटर के हिसाब से भर रहा है, टोटल 7 लीटर। इसमें से 2 लीटर फिर गिर भी रहा है, दूसरा पाइप निकाल भी रहा है 2 लीटर, तो टंकी में कितना बचते, यहाँ से देखा जाए तो 7 लीटर भरा और 2 लीटर निकल गया, यहाँ तो कितना बचा, 5 लीटर।
पाँच लीटर कहता है कि 50 लीटर प्रति मिनट की दर से बाहर निकलता है। यहाँ 5 लीटर प्रति 50 लीटर ही कर रहा है, 5 लीटर यानी इससे कह 10 गुना ज़्यादा कर रहा है। तो इसी तरह इसका जो कैपेसिटी होगा यानी कि धारिता 120 न करिए अपने आप से 10 गुना ज़्यादा यानी 1200 लीटर की वो टंकी होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार आसानी से हम बना सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न होगा ये, तीसरा प्रश्न है, दो नल ए तथा बी एक पानी की टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 24 मिनट में भर सकते हैं। भरी टंकी से एक तीसरा नल सी जुड़ा है जो 3 गैलन प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है। यदि तीनों नल एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाए तो 15 मिनट में टंकी भर जाए तो टंकी की धारिता, फिर पिछलका का सेम ही है, बनाइए ए 20 मिनट में, बी 24 मिनट में और तीनों मिलके ए बी सी को देखा जाए तो कितना मिनट में, 15 मिनट में। तीनों का एलसीएम लेते हैं तो 120, अब 20 से भाग तो 20 छक 20 आसे, यहाँ 24 पंचे 120 और यहाँ 15 अट्ठे 120, तो यहाँ से देखा जाए तो 6 5 11 लीटर जहाँ भरता है वहीं 8 लीटर उसमें से खाली हो जाता है, तो बच गया शेष कितना, 3 लीटर। ये कहता है कि कितना बाहर पानी निकलता है, 3 गैलन प्रति मिनट की दर से। यहाँ प्रति मिनट देखते हैं 3 लीटर, ये कहता है 3 गैलन, इससे क्या गुना ज़्यादा, 1 गुना ज़्यादा 3 गैलन। तो इसी प्रकार ये भी 120 न होकर अपने आप से 1 गुना ज़्यादा यानी 120 लीटर की टंकी होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार हम नए प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। आज के क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। आप सबों से फिर हम मिलेंगे अपने अगले क्लास में एक अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।